नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन सीरीज, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सोशल साइंस की रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और ये सोशल साइंस की रिवीजन सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले के जो दो वीडियोज है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ प्रिंट कमेंट में आपको मिल जाएगा। सब कुछ रिवीजन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने मैथ, साइंस, सोशल साइंस तीनों ही सब्जेक्ट को कवर किया है, ठीक है। और उसमें 10 से भी ज्यादा रिविजन सीरीज के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा। आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम, उसमें बहुत बहुत हेल्प करेगा। सारे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स हो, 3, 4, केस स्टडीज बेस्ड मैपिंग के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली एमसीक्यू बेस्ड होंगे और कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है कि व्हाई डिड मोस्ट कंजर्वेटिव रेजिम्स इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल प्रिंटेड मटेरियल्स एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1815? आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब क्वेश्चंस का मतलब यही है कि जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थे, जो रूढ़िवादी सोच वाले थे, वो सेंसरशिप क्यों लाए थे, ठीक है, कहा प्रेस पे। तो बिकॉज कंजर्वेटिव रेजिम्स वर ऑटोक्रेटिक एंड वॉन्टेड टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, मोनार्की एंड सोशल हायरार्कीज। हाँ, रूढ़िवादी का ये डेफिनेशन ही वही यही है ना, कंजर्वेटिव का, तो ये सही है। फिर बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस वुड लीड टू अ वाइड सर्कुलेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज आइडिया। रिवोल्यूशनरी आइडिया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बिकॉज कंजर्वेटिव रेजिम्स वर अगेंस्ट द लिबरल नोशंस, ठीक है, कुछ हद तक ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें सबसे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, ठीक ना, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन। तो ए एंड बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सी मत चूज कीजिएगा, क्योंकि डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सी भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें डी चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट ग्यूसेपी गरिबल्दी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो नहीं, ये नहीं है। ही वॉज द किंग ऑफ सार्डिना पिडमोंट, नहीं ये भी नहीं है। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी हु एस्टैब्लिश्ड यंग इटली एंड यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटीज, क्या ये ग्यूसेपी गरिबल्दी था? तो नहीं, ये नहीं था। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु हेल्प कैवो टू यूनिफाई इटली। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से चूज करना पड़ेगा, तो सारे ही स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आपको चैप्टर अगर नहीं समझोगे, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं समझे हैं, तो मेरे जो वीडियोज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां पर बहुत कम समय में आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। बहुत मुश्किल से 1 घंटे का चैप्टर है, उसको आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ, जैसे मैंने हर बार बताता हूँ कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के 100% चांस होंगे ही होंगे, ठीक है। हाँ, मोस्टली हिस्ट्री से आएगा या फिर सिविक से आएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से है। फॉलोइंग इमेज डिपिक्ट्स द फियर ऑफ रिप्रेशन विच ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मार्क एज पर द गिवन इमेज आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये इसमें हिंट भी दिया हुआ है, तो इमेज तो आइडेंटिफाई करना ही है, फिर हिंट भी दिया है, इसीलिए फोटोज देखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस क्या है, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833, ग्यूसेपी मजीनी यूनिफाइंग इटली, विलियम वन यूनिफाइंग जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न। बर्न कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है 1833 में, ठीक है। तो ये सबसे करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। दैट इज बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है इतना लंबा क्वेश्चन देखने में, लेकिन सबसे लंबा क्वेश्चन ही सबसे इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जैसे इसको देखिए, अलका द हाई स्कूल टीचर ऑफ डीएवी स्कूल वाज टेकिंग द हिस्ट्री वाइवा ऑफ हर स्टूडेंट। वन ऑफ हर स्टूडेंट वाज गिविंग अ वाइवा ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ही प्रेजेंटेड 4 मेजर पॉइंट्स ऑन द टॉपिक अलॉटेड टू हिम, बट अलका इमीडिएटली रियलाइज दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर स्टूडेंट वॉज समवट इनकरेक्ट, ठीक है। अमॉन्ग द फॉल
हैविंग मेजर ऑप्शंस आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अलका टीचर है, वो वाइवा ले रही है, उसमें से चार ऑप्शन है, चार में से हमें इनकरेक्ट बताना है। तो क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बहुत टीचर्स आपको बोलते हैं कि डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेट इम्पॉर्टेंट है कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा रट लीजिए, लेकिन डेट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर अप्रोक्स आइडिया रहेगा तभी ये कर सकेंगे सॉल्व। ठीक है, सेकेंड क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। ठीक है दी, तो ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी। रोमन कैथोलिक चर्च ये बुक्स तो इंडेक्स बना के रखे थे, लेकिन क्या ये मिड 17th सेंचुरी में था? तो नहीं, ये मिड 16th सेंचुरी में था। कब? 1558 के आसपास में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट का इनकरेक्ट हो गया। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तीसरा ऑप्शन किसमें है, तो इसमें और इसमें, सी और डी। तो ऑलरेडी ए एंड बी एलिमिनेट हो गए, बचे क्या, सी एंड डी। ठीक है, और देख सकते हैं कि वन और टू ऑलरेडी करेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आप इस तरह से भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल पढ़ लीजिए ताकि आपको श्योरिटी आ जाए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक सेड द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो स्वराज, बाल गंगाधर तिलक बेसिकली वो उसमें उन्होंने कहा था स्वराज इसमें बर्थ राइट, ये तो कहा था, लेकिन वो अपने मेनली वो केसरी वाला जो पेपर था उससे उनका ज्यादा रिलेशन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी इनकरेक्ट ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नेशनलिस्ट इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रामचंद्र, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड, गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण टू इंस्पायर पीजेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो आपको पता होगा कि गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था जब वो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, और 1917 के आसपास में ये हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ जो होगा सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो फोर के बाद क्या हो गया, टू। देख सकते हैं इसमें आपको ऑप्शन डी ऑलरेडी करेक्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहला स्टेटमेंट आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाई रामचंद्र। ठीक है, तो 4-2-1 एंड लास्ट थर्ड इज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड, ये हुआ था 1921 के आसपास हुआ था। ठीक है ना, तो हर एक साल बाद बाद ऐसा हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको सारे इवेंट्स पते होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अप्रोक्सीमेटली डेट का आइडिया रहेगा तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पल्सेस एज अ क्रॉप एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पल्सेस आर ग्रोन बोथ इन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर पल्सेस ग्रो रिक्वायर इंटेंसिव एंड एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। नहीं, पल्सेस को उतना पानी की जरूरत, इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन टू जहां पर भी है उसको कट कर सकते हैं हम लोग, इसको कट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन गया, ठीक है, बचा क्या, सी एंड डी। फिर देखते हैं तो सी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस किसके होंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी के होंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। तो मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर द पल्सेस आर ग्रोन इन रोटेशन टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। फिर पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप, हाँ ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप है जितने भी पल्सेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेपल फूड क्रॉप मेनली दो ही है, एक है राइस और एक है वीट, है ना। ज्यादातर हम लोग इंडिया में राइस खाते हैं, देन वीट आता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, तो सबसे बड़ा हिंट तो यहीं पर मिल गया, खरीफ क्रॉप। वीट जो है वो खरीफ नहीं है, वो रबी फसल है। ठीक है, तो और पल्सेस जो है रबी भी है और खरीफ भी है, तो ये भी अट गया। ठीक है, और ये स्टेपल फूड क्रॉप है, मेज क्या हमारा स्टेपल है, तो ऐसा नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में देख लीजिए, इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट के क्या होगा, फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस एल्यूमिना इज एक्सट्रैक्टेड। हाँ, एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट ओर से ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। झारखंड इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, झारखंड नहीं होगा बल्कि ओडिशा होगा। फिर बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट इज फेमस फॉर बॉक्साइट रिजर्व इन इंडिया, तो ये क्या बॉक्साइट के लिए फेमस है? नहीं, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। तो दो तीन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओनली वन इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैपिंग से भी दिया सकता है, बेलारी चित्रदुर्गा जो आपके बैंगलोर के आसपास में है, ठीक है, और झारखंड ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विशाखा वांटेड टू स्टार्ट द रबर बिजनेस, सी कंसल्टेड मेनी स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द सेम, इन सच ए मीटिंग सी मेट गौरव, गौरव सजेस्टेड टू हर टू सेट अप अ रबर प्रोडक्शन यूनिट, ही टोल्ड हर दैट दिस इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस अबाउट 74% ऑफ द इंडियाज टोटल रबर प्रोडक्शन एंड इट वुड बी इकोनॉमिकल फॉर हर इफ सी एस्टैब्लिश हर रबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द स्टेट। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज विच इंडियन स्टेट वॉज रिकमेंडेड बाई गौरव। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। कहने का मतलब यह है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रबर की खेती कहाँ होती है? तमिलनाडु, असम, केरला, मेघालय। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होती है केरला में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो लाइम स्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था, तो इसका क्या होगा? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में तो चांस बहुत ही कम है होने के, प्लास्टिक में भी कम होता है कैल्शियम, लाइमस्टोन का क्या ही ज्यादा यूज होगा, बचेगा क्या? आपको कंफ्यूजन अगर होगा तो एल्यूमिनियम और सीमेंट में होगा, तो सीमेंट जो होगा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम, ठीक है, इन अ फेडरल सिस्टम। तो स्टेट्स आर प्रोवाइडेड विद अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर, नहीं, ऐसा हार्श स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होता, अनलिमिटेड नहीं मिलता। स्टेट्स आर डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्टेट के पास खुद का भी रेवेन्यू जनरेट करता है, वो लैंड टैक्सेस लेता है, एग्रीकल्चर से बहुत कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हीं के पास तो ऑटोनॉमी है। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये सिविक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कुड बी रियलाइज्ड विद लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, तो आपको पता है कि जो भाषा के आधार पर हम लोग ने अलग अलग स्टेट्स बनाया, और उसमें सबसे पहला स्टेट कौन सा था भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, रिकॉग्निशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इंसेप्शन ऑफ आइसोलेनिस्ट टेंडेंसीज, ऐसा नहीं था कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग कर दे सबको और आइसोलेट कर दे, ऐसा नहीं था। फियर ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द कंट्री, नहीं, ऐसा भी नहीं था हम लोग का। इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल सोशल ग्रुप्स, तो दो ही मेन ये कारण थे। लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट क्यों किया गया था 1956 के आसपास, तो ये इसीलिए हुआ था कि रिकॉग्नाइजेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज एंड इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल सोशल ग्रुप्स। तो ओनली वन एंड फोर इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। तो ये कुछ हद तक असर्शन रीजनिंग के टाइप का है। असर्शन क्या है कि सपोज द लिटरेसी रेट इन अ स्टेट इज 78% एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो इन सेकेंडरी स्टेज इज 47%। तो जो जो मेन मेन टर्म्स रहता है ना, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको इजी हो, ठीक है। असर्शन ये है, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन।
देख सकते हैं कि सपोज द लिटरेसी रेट इज 78% एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो इन सेकेंडरी स्टेज इज 47%। हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसा है ही नहीं। ये तो सेकेंडरी स्टेज की बात की गई ना असर्शन में, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई। सेकेंडरी स्टेट्स क्लास 6 से लेकर 8 ऑनवर्ड्स मेनली कहा जाता है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन तो बच्चों वाले जो तो 1 से लेकर 5 तक होता है। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट जो है रीजन है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ध्यान, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना सेकेंडरी और एलिमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, PRI। तो रूरल डेवलपमेंट, हाँ ऑब्जेक्टिव तो था लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, ये लगता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट रूरल पीपल, हाँ ये तीनों ही, चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो था डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। पावर जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना हो, वो स्टेट लेवल पे भी हो और लोकल सेल्फ लेवल पे भी हो, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तमिलियंस ड्यूरिंग 1980s फॉर्मड वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये श्रीलंका वाला इशू से था जो तमिल एलम की डिमांड की जा रही थी, ठीक है ना। तो देयर डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट वॉज डिनाइड, ठीक है। तो इनिशियली वो सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बहुत ध्यान से पढ़िए। देयर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्शंस टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वॉज डिनाइड, ठीक है। तो ये क्या, ठीक है, सेपरेट इलेक्शंस, तो ये भी उनका इनिशियल डिमांड तो नहीं था। देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड, ठीक है। तो हाँ ये जो ऑप्शन है वो बहुत अप्रोप्रिएट है कि देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। ये पहले हुआ था 1980s में, ठीक है, उसके बाद जाके जब नहीं माना गया तब जाकर ये सब डिमांड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, बहुत स्टेट बहुत लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे, लेकिन एक्चुअल में आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि ये शुरू शुरू में हुआ था, फिर ये सब डिमांड अगर गवर्नमेंट ने नहीं माना था इसीलिए वो सेकंड और फर्स्ट डिमांड पे चले आए थे, और वो एक तमिल एलम, तमिल एक स्टेट बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था जो 2009 में खत्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टेबल वाला है, एक तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट है हरियाणा, केरला, बिहार। देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 30, 10, 35, बिहार में सबसे ज्यादा है। लिटरेसी रेट देख सकते हैं सबसे ज्यादा केरला में है, ठीक है, और बिहार में सबसे कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी अगर देखा जाए तो 83% जो है केरला में है, बिहार में सबसे कम है। तो एज पर द डेटा लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला व्हाइल द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट इन बिहार, व्हाट डज इट शो। तो आप क्या समझते हैं कि केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है लेकिन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में। तो ये क्या शो करता है कि बस सिंपल है कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है, बिहार नहीं है, है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन केरला एंड बिहार हैविंग गुड लिविंग कंडीशन, नहीं दोनों के पास नहीं है, केरला के पास है। बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नहीं बिहार में है, बिहार केरला में है लेकिन बिहार में नहीं है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर इन केरला एज कम्पेयर टू बिहार, हाँ ये सही है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर इन बिहार, नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द वर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाई द टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, आइडेंटिफाई द रीजन, टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। तो बिकॉज इट्स प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर, हाँ ये भी सही है। बिकॉज इट वर्क्स ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से होगा, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो हमारे ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। प्रिया वॉन्टेड टू विदड्रॉ मनी बाई इश्यूइंग अ चेक,
टर्म चेक्स डिनोट व्हाट? चेक का मतलब क्या होता है? लोन टेकन बाय द बैंक, ठीक है, तो ये ऐसा है क्या? नहीं. लोन टेकन बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम द बैंक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, तो ये कुछ हद तक तो सही लग रहा है, ठीक है. पेपर स्पेशली वैलिड टू विदड्रॉ मनी ओनली फ्रॉम अकाउंट्स होल्डर अकाउंट, है ना, तो ऐसा क्या है कि ओनली फ्रॉम अकाउंट होल्डर ही विदड्रॉ किया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है. पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, आपका अकाउंट नहीं भी हो अगर आपके नाम पे कोई चेक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. हाउ वन कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इंक्रीज वोकेशनल एजुकेशन, बिल्कुल. इम्प्रूव लोकल एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल. इंक्रीज रिजर्वेशन इन जॉब्स, कोटा बढ़ा दिया जाए, नहीं, इससे हमारा जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता. ए एंड बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है. आपको बहुत लोगों को डाउट होगा कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, तो हम लोग जो अभी तक एजुकेशन ले रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली जनरल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है. वोकेशनल एजुकेशन होता है जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा एम्फोसिस दी जाती है, हमें इस तरह से तैयार किया जाता है कि जहाँ पर हमारा स्किल डेवलप हो सके, कि कोई हुनर हम लोग सीख सकें, ठीक है, तो उसको मेनली वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो एमसीक्यू के आखिरी क्वेश्चन है. संजीव द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ नीति आयोग वॉज एड्रेसिंग द सेमिनार. द टॉपिक ऑफ द सेमिनार वॉज मेथड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, ठीक है, नीति आयोग के सेमिनार में. विथ रिगार्ड टू योर नॉलेज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई संजीव इन द सेमिनार, ठीक है, तो क्योंकि संजीव इकोनॉमिक एडवाइजर है तो ऑब्वियसली अच्छा ही स्टेटमेंट देंगे. तो और टॉपिक क्या था? अंडर एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, प्रॉब्लम क्या है, तो कौन सा सही स्टेटमेंट है? द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड उनको पैसा दे दिया जाए, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, तब सब लोग काम छोड़ देंगे और उनको फ्री में पैसा मिलेगा, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है. आइडेंटिफाई प्रोमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, हाँ कुछ हद तक ये सही लग रहा है. द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन इंडस्ट्रीज विद लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे उस इंडस्ट्री को ही बंद कर दें. द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे नुकसान है, तो ऐसा नहीं किया सकता. तो ऑप्शन बी जो है सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी में, जिसके में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो है मैप बेस्ड. स्टडी द मैप थॉरली एंड मेंशन वन मेजर फ्रूट विच इज कल्टिवेटेड इन द हाईलाइटेड इंडियन स्टेट. यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो ये देख सकते हैं, ये वाला रीजन, ये कौन सा स्टेट है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन कौन से स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है, यही नहीं पता होगा कि आसाम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं दिसपुर है ना, तो बहुत लोगों को पता लगता होगा कि गुवाहाटी है, लेकिन ये स्टेट जो है मेघालय है. इसका कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है. तो मेघालय में और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे फूड, हॉर्टिकल्चर प्लांट बहुत सारे ग्रो किया जाते हैं, और यहाँ पर ऑरेंजेस, पाइनएप्पल बहुत अच्छे ग्रो होते हैं. तो मेघालय जो होगा वो क्या होगा? मेघालय इज वन ऑफ द, सबसे पहले तो स्टेट आइडेंटिफाई करना, मेघालय हो गया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो होता है, मेजर पाइनएप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एज इट कंट्रीब्यूट 8% ऑफ द टोटल पाइनएप्पल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है. तो 8% जो है पाइनएप्पल यहीं से प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे ऑरेंजेस, बहुत सारे ऐसे फ्रूट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं. सोहन गो टू हिज बैंक एंड मेक डिमांड डिपॉजिट ऑफ 50,000. ऑन व्हाट बेसिस वन कैन से दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल फॉर बैंक्स एज वेल एज फॉर द पीपल. तो डिमांड डिपॉजिट किस तरह से दोनों के लिए बेनिफिट है, बैंक के लिए और पीपल के लिए भी. तो बैंक के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है? तो डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड देम एज ए लोन, है ना, तो वो बैंक जो है वो लोन की तरह दे सकता है पब्लिक को. तो इससे क्या होगा, लोन देने पर बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ऑब्वियसली बैंक की कमाई हो जाएगी. और पीपल को किस तरह से फायदा होगा, तो जो लोन होगा, जो डिमांड डिपॉजिट होगा, उस पर इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू जो हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं या मनी लेंडर या किसी रिलेटिव से लेते हैं. तो वहां पर जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक
से अगर लेते हैं तो वहां पर मनी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, तो इससे बेनिफिट हो जाएगा और लोगों को जो भी पीपल है उसको आसानी से पैसा मिल सकता है, ठीक है, और विड्रॉ भी किया जा सकता है बैंक से। तो ये दोनों के लिए फायदा है, तो दोनों के लिए एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर यही अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको इलाबोरेट करके थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह डाल के आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर को फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इन योर ओन वर्ड्स राइट अ ब्रीफ न्यूज़पेपर नोट ऑन साइमन कमीशन। देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चंस ये आपने पढ़े ही होंगे साइमन कमीशन के बारे में, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है कि आप लोगों को लगे नहीं हम लोग को दूसरा लिखना होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो साइमन कमीशन का बेसिकली कहा गया कि एक ब्रीफ नोट लिखने के लिए। साइमन कमीशन कब आया था तो ये दिखना होगा 1928 में आया था। इट वॉज ग्रीटेड बाई ब्लैक फ्लैग्स ऑन, बहुत सारे स्लोगन्स लगे थे, साइमन गो बैक साइमन, है ना। फिर बोथ इस कमीशन को दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ही प्रोटेस्ट किया था, मिलकर प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। एंड द कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन पीपल। क्यों बॉयकॉट किया गया था इंडियन पीपल से, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर मौजूद नहीं था, इसीलिए इसको बॉयकॉट किया गया था, ठीक है। तो ये इस ब्रीफ नोट अगर 2 मार्क्स का आएगा तो बहुत है, ये नफ 3-4 लाइन लिखना बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे कि स्टेट एनी टू मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशंस, और में है ये क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राम सभा, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। तो देख सकते हैं कि इसमें से कोई आपको एक ही करना है। तो कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, तो कमिंग टूगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कम आते हैं, एक साथ आते हैं और एक नया एक बिगर यूनिट बना रहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मान लेते हैं ये यूनिट है, और ये लोग क्या करते हैं आते हैं और मिलकर एक देश बना देते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, सबकी पॉलिसीज अलग अलग है, कोर्ट अलग सिस्टम है, सबके लॉज अलग है। तो वो लोग मिलकर फिर क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा रहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड भी कुछ हद तक कमिंग टुगेदर फेडरेशन के ही एग्जाम्पल है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ है, ये बेसिकली लार्ज कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कंट्री है, उसको अच्छे तरह से रन करने के लिए क्या होता है, उस कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, टू डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। और डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट को फर्दर और भी डिवाइड किया जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनली होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इन ऐसे कंट्रीज में मेनली होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। पहले से ही वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, कंट्री था, फिर क्योंकि बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको पावर जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये फर्क है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर और वाला जो क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के बारे में और 4 फंक्शंस लिखना है, तो ग्राम सभा बेसिकली इंक्लूड कौन से है, तो जितने भी अडल्ट सिटीजन्स होते हैं, जो भी 18 वर्ष से ज्यादा होते हैं वोटर्स, वो ऑफ द विलेज, कोई भी एक ग्राम का, कोई भी विलेज का, उसको सब मिलाकर, लोगों को मिलाकर मेनली ग्राम सभा कहा जाता है। इट इज एम्पावर टू सपोर्ट द ग्राम पंचायत बॉडी, है ना, मेन काम तो वही है। फंक्शंस क्या है देख लेते हैं, तो इट इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, है ना, कौन सरपंच होगा, फिर डेप्यूटी सरपंच कौन होगा, यही है फंक्शन। फिर इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के वर्क्स को देखेगा। फिर इट अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत, एक साल में कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा। फिर रिव्यू भी किया जाता है, हर साल में मीटिंग भी की जाती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये 4 फंक्शंस है और ग्राम सभा के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे, जो चौथा वीडियो होगा सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो मेनली 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और मैप बेस्ड क्वेश्चंस टाइप के होंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है, सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन सब कुछ पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।